नसरुल्लागंज पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 3 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व SDOP प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नसरुल्लागंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर सीहोर इक्षापुर रोड के ग्राम भादाकुई के पास नाकाबंदी की और योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर हमराह फोर्स की मदद से गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी से 3 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 34,500 रुपये व मोटरसाइकिल जब्त की जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपये बताई जा रही है। सूचना मिली थी कि सीहोर इछावर रोड पर एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल में अवैध रूप से गांजा लेकर के जाने वाला है। सूचना पर उन्होंने घेराबंदी की अपनी टीम के साथ में और उस व्यक्ति को 3 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ में गिरफ्तार किया। धारा 20 की एंटीथेफ्ट के अंतर्गत FIR दर्ज की और उसकी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ एक बाइक भी बरामद हुई है। गांजे का मूल्य लगभग 35,000 रुपये है और आगे इसके संबंध में पूछताछ जारी है कि वह गांजा कहाँ से लेकर के आया था और कहाँ देने जा रहा था। पूरी इसकी सप्लाई चेन को हम लोग तलाश करेंगे, खोलेंगे और उसकी कार्रवाई।